नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंदर सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर के दो ऐसे पार्ट्स जिनका नाम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है इन दोनों में। तो दोस्तों, इन दोनों में अंतर जानने के लिए सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे नंबर वन पे सॉफ्टवेयर का, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बारीकी से समझा देना चाहता हूँ, फर्स्ट लेवल से, बेसिक नॉलेज से, कि जितना भी कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रसंस्करण होता है, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग जितना भी होता है कंप्यूटर के संपूर्ण यानी कि पूरे लेवल पे, वो पूरा का पूरा जितना भी कंप्यूटर के अंदर डाटा चलता है वो जो है दो प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसमें डाटा को प्रोसेस करने में। तो पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ दोस्तों, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर, यानी कि जितना भी कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा यूज होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा चलता है, जितना भी वर्क होता है, डाटा प्रोसेसिंग होती है बड़े लेवल पे, एप्लीकेशन वगैरह सबको लेकर, यानी कि जितने भी एप्स यूज होते हैं, अन्य डाटा जितना भी यूज होता है वो पूरा का पूरा जो हैंडल करने की कोशिश करता है वो OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करता है, हैंडल करता है। तो दोस्तों, इन सारे के सारे एप्स को जो है चलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक सिस्टम है और इसको जो हैंडल करता है वो है सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दोस्तों, इसका पूरा का पूरा जितना भी असेंबल, यानी कि जितने भी आउटपुट इनपुट जितने भी यूज होते हैं, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करता है, इसे एक्सेस करता है। तो दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट XP, विंडोज विस्टा, एंड्रॉइड, एप्पल, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज के अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, दूसरा है इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है। और दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक छोटा सा भाग है, जैसा कि नाम से ही मालूम होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ ऐप, यानी कि दोस्तों बहुत सारे एप्स है, वाईफाई से लेकर जियो, जितने भी जीमेल से लेकर बहुत सारे एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर जो भी है, गूगल मैप वगैरह, ये जितने भी एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, जितने भी ऐप है वो सारे के सारे अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य होता है एक ऐप को ओपन करके उसके अंदर जितना भी वर्क होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत होता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। और इन सारे एप्स वगैरह सारे डेटा को जो यूज होता है, इन सारे डेटा को जो है एक्सेस करता है या फिर चलाता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, अब दूसरा नंबर का है हार्डवेयर, कि व्हाट इज ए हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा, इसके दो प्रकार भी आपको समझ में आ गया, अब हार्डवेयर। तो दोस्तों, हार्डवेयर को मैं बड़ा ही बेसिक नॉलेज से, बड़े ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जितने भी यानी कि मॉनिटर है कंप्यूटर के अंदर, मॉनिटर है, कैबिनेट है, इसके अंदर बहुत सारे चिप होते हैं, रैम, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड, और जितने भी जो पार्ट्स है, जो हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, ये होता है हार्डवेयर। तो इसे ही हार्डवेयर कहते हैं दोस्तों, जितना भी दिखाई देता है हमें कंप्यूटर के अंदर या फिर जितने भी सिस्टम जो है हमें दिखाई देता है और उसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। जितनी भी मशीनरी यानी कि मॉनिटर को हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये जितने भी ग्राफिक्स कार्ड वगैरह रैम रोम को हम छू भी सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं, ये होता है हार्डवेयर दोस्तों। और जिसे हम देख सकते हैं छू नहीं सकते, केवल देख सकते और छू नहीं सकते, वो होते हैं सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर, यानी कि जिसे हम देख सकते हैं छू नहीं सकते, और हार्डवेयर को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंट है दोस्तों। इनकी यदि आप डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो इसमें भी यही लिखा हुआ आता है कि जिसे हम देख और छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, जिसे हम देख सकते हैं केवल छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। और दोस्तों, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बड़े लेवल का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो छोटे लेवल पे काम करता है, छोटे लेवल का होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा।